कल यानी 4 जुलाई 2021 को पापुमपारे रूरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस और कैपिटल पुलिस ने मिलके आईसीआर रीजन का वन ऑफ द मेन ड्रग सप्लायर्स को अरेस्ट किया है। तो कल हमें रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिला कि दो बंदे कानूबारी से गवर्नमेंट व्हीकल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AR01J3990 एक स्कॉर्पियो है, इस स्कॉर्पियो में कानूबारी से सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स आइटम लेके कैपिटल की तरफ आ रहे हैं, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के SP डॉक्टर नीलम निगा ने तुरंत टीम फॉर्म किया जिसमें SDPO दोईमुख, OCPS दोईमुख इन्यात सब इंस्पेक्टर नाबुम ताते, सब इंस्पेक्टर नीरी रामा इन्वॉल्व थे। टीम ने गुमतो CO को तुरंत इन्फॉर्म किया और कल करीब 8:30 बजे शाम के 8:30 बजे इस व्हीकल को गुमटो गेट में पकड़ा। तो मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस के प्रेजेंस में हमने सर्च किया और ये जो दो बंदा जो गाड़ी में पाया गया था और इस व्हीकल से हमें ये जो दो बंदा मिला है उसका आइडेंटिटी जो है ये मिला कि एक का नाम सूरज केंगाल है, दूसरा नीमा वांगचू है जो कि गाड़ी का ड्राइवर था। तो मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस के प्रेजेंस में हमने सर्च किया तो गाड़ी से 4 पैकेट्स ऑफ सस्पेक्टेड हीरोइन मिला हमें। तो NDPS एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करता हुआ मौके पे ही हमने रिकवरी सीजर और पैकिंग का कार्रवाई किया और इसमें जो 4 पैकेट्स का वेट हमें 41.35 ग्राम्स मिला। और प्राइमरी इंट्रोगेशन में हमें ये पता चला कि ये जो दो बंदा है ये एक लेडी जिसका नाम है याई लेंदो जोमो जो कि ईटानगर का रहने वाला है, इसके डायरेक्शन में ये दोनों कानूबारी से 1 लाख रुपया दे के ये जो हेरोइन है लेके आ रहे थे ईटानगर में। और ये जो 4 पैकेट है, इस 4 पैकेट में से 3 पैकेट को ईटानगर और नाहरलगन के बीच में 6 किलो में डिलीवर करना था और बाकी 1 पैकेट को याई जोमो के घर पे डिलीवर करना था। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमारे SP ने कैपिटल SP जिम्मी चिरम सर को असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट किया और कैपिटल पुलिस से एक टीम हमें मिला जिसको सब इंस्पेक्टर SS जा और कांस्टेबल सामियर लीड कर रहे थे। और ये कंबाइंड दोईमुख पुलिस और कैपिटल पुलिस के टीम ने हमने ट्रैप लगाया ईटानगर नाहरलगन के बीच में 6 किलो में और ये 3 बंदों को हमने पकड़ा वहाँ से। ये 3 बंदों का नाम है होरजुम डोके, ताकार काबा और नरेन चेत्री। ये तीनों जो है ड्रग एडिक्ट है और ड्रग सप्लायर भी है। तो फर्दर टीम ने वहाँ से याई लेंदो जोमो का रेसिडेंस जो कि Y अपार्टमेंट अबोतानी कॉलोनी ईटानगर में है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के साथ गया और हाउस सर्च किया। हाउस सर्च करने पे हमें वहाँ से 184 एम्प्टी वायल्स जो कि ड्रग सेलिंग के लिए यूज़ करता है वहाँ से मिला, साथ में एक इंजेक्शन, 2 डमी पिस्टल्स जो पॉसिबली लाइटर के साथ है और 52,000 कैश विच इज़ सस्पेक्टेड टू बी द प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रग सेल, ये हमें वहाँ से मिला। हमारे प्राइमरी इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि ये जो याई लेंदो जोमो है ये ईटानगर कैपिटल रीजन का वन ऑफ द मेन ड्रग सप्लायर है और फाइनेंशियर भी है। तो इंस्टेंट केस में इसने अपना घर का जो कुक है जिसका नाम सूरज केंगल, इसको और गाड़ी का जो ड्राइवर है नीमा वांगचू ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का ड्राइवर है, इन दोनों को 1 लाख रुपया दे के कानूबारी से ड्रग्स लेने के लिए भेजा था और हमने उसे पकड़ा। तो इस सिलसिले में हमारे दोईमुख PS में हमने केस रजिस्टर किया है अंडर सेक्शन 21B, 27A एंड 29 NDPS एक्ट। ये जो इंस्टेंट केस है इसमें PHQ कैपिटल पुलिस और पापुमपारे रूरल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के चलते इसमें सक्सेस मिला है।
और मैं पापुमपारे रूरल डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे जो हमारे जितने भी यूथ हैं और साथ ही जो भी पब्लिक जो ड्रग्स में जो जो इन्वॉल्व हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस ड्रग्स का चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और साथ में मैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ऑफिसर्स हैं जिनके पास गवर्नमेंट व्हीकल्स रहता है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो व्हीकल्स हैं इसका हिसाब किताब सही तरह से रखें। एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आपका गाड़ी और आपका ड्राइवर कहाँ पे है। जब आप छुट्टी जाते हैं या आप जब ऑफ द ड्यूटी होता है तो आपका गाड़ी कहाँ पे है, ड्राइवर कहाँ पे है, इस चीज़ का आपको एक मैकेनिज्म ड्रॉ करना होगा। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.